अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको लेके जा रहे हैं जी मंडल नाले में। गर्मी है तो इस गर्मी में वही जगह बड़े मज़े की है, बड़ा नहाने का भी सिस्टम है। नाला है इधर से मुजफ्फराबाद से पटेका जाएंगे, हमें लगेंगे 30-40 मिनट लगेंगे उस तक पहुँचते। तो अभी हम आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मुजफ्फराबाद से मंडल कठिया पटेका। तो मैं आपको साथ साथ अपने लेके चलता हूँ। ये जी हमारा सफर स्टार्ट हो चुका है पटेका की तरफ में मुजफ्फराबाद से। तो ये मैं हाईवे पे चढ़ गई, नीलम हाईवे पे हम कुछ देर तक हम आपको पटेका के मुकाम पर पहुँचे। आज का विलाग वैसे होने वाला बड़े मज़े का, क्योंकि मुजफ्फराबाद के अंदर गर्मी है तो हम जाके तो थोड़ा नहाएंगे, गर्मी का सब निकालेंगे। चले हमारे साथ चलते हैं आगे, देखते जाते हैं क्या कुछ होता है। क्रॉस करके आगे की तरफ पटेका की तरफ निकल चुके हैं, क्योंकि दो रोडें जाती हैं, एक मेन रोड जो हाईवे है वो पार वाली साइड से पुल क्रॉस करके पार वाली साइड से आप जाएंगे, और दूसरी रोड जो है स्ट्रेट आगे आ जाएं, आपको पुल क्रॉस नहीं पड़ता। इससे ये है कि इससे आपको मतलब अच्छा और बगैर ड्राइव वाली और अच्छी सड़क मिल जाएगी। तो इस रोड से ज़्यादा बेहतर है कि आप इसी रोड पर आए, इसमें पुल शुरू क्रॉस न करें।
आज किस देवी को रुके हुए हैं, तो कुछ ठंडा ठंडा पियेंगे फिर इधर से आगे निकलेंगे। तकरीबन 5 मिनट की हमारी ब्रेक है, 5 मिनट हम ब्रेक करके यहाँ से आगे का सफ़र तय करेंगे। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं जी, 40 मिनट के बाद हम ये पहुँच आए हैं जी मंडलकटा। यहाँ से मंडलकटे के ऊपर रास्ता जाता है, ये पिटिका से थोड़ा ऊपर आए ये रास्ता शुरू होता है, तो मंडलकटे के ऊपर हम पहुँच आए। अभी हम ऊपर मंडलकटा जहाँ जाते हैं जी, ठंडी ठंडी हवा से महसूस हो रही है, बड़े मज़े की हवा लग रही है। तो चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं आज मंडलकटा की सैर करवाते हैं। ये भी एक बड़े मज़े का प्लेस है मुजफ़्फ़राबाद के अंदर, जैसे हम एक्सप्लोर करना चाहेंगे है ये नहीं है। और हाँ साहब, खैर है, ठीक हो? थके क्यों हैं, थक गए हो? ये बैठे हुए हैं जी फेरी लगाने वाले पठान, थके हुए हैं बैठे हुए हैं। तो असल में मेहनत मजदूरी करना हर बंदे की बस की बात नहीं है। ये देखें, अभी मैं आपको चेक करवाऊंगा आगे। ये गांव वालों ने ये मंडलकटा से एक मतलब नाली सी बना के ले गए हैं अपने गांव में, और इसमें ठीक ठाक पानी होता है। मतलब ये ज़मीनों अपने को भी लगाते हैं, उसके बाद इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा ये काफ़ी दूर तक ये जाता है, काफ़ी दूर तक ये जाता है मंडल कटे का पानी। ये मैं आपको दिखाता हूँ आगे का रास्ता। जी ये पानी ले गए हैं गाँव वाले, ये बहुत बड़ा पानी है, ये कोई प्रोजेक्ट है सरकार ने, ये नाली बनाई हुई है, नाली तो नहीं कहते कह सकते, इसमें बहुत ही ज़्यादा पानी है, काफ़ी ज़्यादा पानी जाता है। ये गाँव वालों के पेका में जो गाँव है, ये ऊपर जो गाँव है इससे नीचे काफ़ी दूर तक ये पानी जाता है, और ये फसलों को भी लगाते हैं इस्तेमाल के लिए भी, लेकिन काफ़ी काम आता है ये पानी। इतना पानी अगर मुजफ़्फ़राबाद के अंदर हो फ्रेश पानी पीने का, मतलब कोई इसमें मेडिसिन वगैरह कोई यूज़ नहीं करनी है, सीधा फिल्टर भी नहीं करने की ज़रूरत है, तो मुजफ़्फ़राबाद में मैं कहता हूँ और पानी की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा पानी है। अभी आगे चलते हैं थोड़ा, हम आपको आगे एंड पे दिखाएंगे। उधर तो नहाने की जगह है, अबशार टाइप बनी हुई है, नहाने की जगह है, मज़ा आ जाता है इस पानी को देख के। ये पानी की स्पीड है, इतनी स्पीड है इस पानी की कि कोई बंदा है इसमें खड़ा नहीं हो सकता, इतनी स्पीड है इस पानी की। ये गांव वाले में जाता है बड़ी बड़ी तेज स्पीड में ये जाता है, आप इसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत स्पीड है इस पानी की। आज मंडलकटे में मुझे लगता है पानी भी थोड़ा ज़्यादा है। पहुँचाए हैं जी, ये मंडलकटा है, ये आ रहा पीछे से आज बहुत स्पीड में है कटा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे कभी भी लोग नहाते हैं, और असल वाला जो है बहुत आगे से जा रहा है, मैं उसका भी आपको थोड़ा नज़ारा करवाता हूँ। जवान नहा रहे हैं, लेकिन नाले की स्पीड आज बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा स्पीड है इस नाले की, मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब अगर बंदा गिर जाए, मुझे नहीं लगता कि बंदा वापस आराम से आ सके। ये देखें जी, ये है पीछे मेरे, थोड़ी देर के बाद हम नीचे उतरेंगे, उधर भी आएंगे, लेकिन बल्कि ये है कि ये मंडलकटे का व्यू है जी। एट दी एंड हम मंडलकटा के ऊपर पहुँच आए हैं, अभी हम थोड़ा नहाते हैं इस कटे के ऊपर थोड़ा रेस्ट करके, क्योंकि अभी हम गर्म गर्म आए हैं, जब जिस्म गर्म हो एकदम आके एकदम नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि
अटैक का खतरा होता है, मरने का खतरा होता है, बीपी रुकने का खतरा होता है और भी काफ़ी सारे नुकसान आते हैं। हमें हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि गर्म कोई भी जगह भी पहले किसी भी जगह भी जाओ नहाने से पहले अगर आपने जिसमें आपका हीट अप हुआ है आपने नहाना नहीं है, आपने क्या करना है सिर्फ और सिर्फ पहले रेस्ट करना है, आपने पसीना ठंडा करना है, टेम्परेचर अपना जगह पे आने देना है, फिर जाके आपने क्या करना है नहाना है। तो हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, मैं थोड़ा आगे कटरे के अंदर जाता हूँ पिछली साइड पे, उसका व्यू भी आपको मैं क्या करवाता हूँ चेक करवाता हूँ। है बड़े मज़े का कटरा जी, आज बिल्कुल साफ भी है, आज साफ भी है और ठंडा भी, ठंडा तो ये है ही है, आज साफ है। मतलब पिछली मरतबा हम आए थे उस टाइम इतना साफ नहीं था, आज आपको लोगों को साथ लेके आए, देखने वालों को, आप भी इंजॉय करें मैं भी इंजॉय करता हूँ। थोड़ी देर के बाद फिर नहा के फिर आपको मैं अपनी नई लोकेशन देता हूँ।